हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कास। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जब काय चिकित्सा में पूछा जाता है तो उस चीज का ट्रीटमेंट पूछा जाता है। जैसे कास है व्याधि, तो इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली। लेकिन हम इसके निदान, संप्राप्ति आदि को भी इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो निदान जो इसमें आएंगे, जो श्वास और ईका में हम निदान पढ़ते हैं, सेम वैसे ही निदान होंगे। धूल धुआं आदि का सेवन की वजह से, शीतल द्रव्यों के ज्यादा प्रयोग की वजह से, ठीक है, अध्यक्षण अजीर्ण आसन आदि जो है वो बात का वर्धक जो भी चीजें हैं उनकी वजह से कास होने के चांसेस होते हैं। संप्राप्ति क्या है? निदानों के सेवन से जो प्राण वायु है वो उदान वायु के साथ मिलकर क्या करती है, वेग के साथ, प्राण वायु उदान वायु के साथ मिली और वेग के साथ जैसे टूटे हुए जो कांस्य बर्तन की भांति आवाज को करती हुई मुख की ओर से बाहर निकलती है। जैसे जो टूटा हुआ कांसे का बर्तन है उसकी जैसी आवाज होती है, वैसे ही शब्द करती हुई मुख से बाहर आती है, वो हमारा जो है वो कास रोग है। इसके हम बात करते हैं पूर्व रूपों की, तो इसमें क्या आएगा, शूक पूर्ण गलास्यता, मतलब गले में ऐसा लगेगा कि शूकों से पूर्ण है, कंठे कंडुष्ट, भोजना नाम अवरोधश्च जायते, कंठ में कंडू का होना और भोजन का अवरोध होना, ये कास के पूर्व रूप हैं। फिर हम बात करते हैं इसके भेदों की। जो भेद है कास के वो पांच हैं हमारे, वात, पित्त, कफ, क्षतज और क्षयज। अब जो वातिक कास होगी उसको भी हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। तो जो वात है उसमें वात वाले लक्षण होंगे, जैसे कास होगी वो सूखी खांसी होगी पेशेंट को जो है वो हृदय पार्श्व आदि में वेदना का होना, उर प्रदेश में वेदना होगी, कष्ट से जो है वो उसका कास है उसका निकलना, ये सारे कंडीशन होंगे बाद में। पित्त में क्या होगा, दाहा होगी, उष्णता लगेगी पेशेंट को, ज्वर हो सकता है। जो कास में जो कफ निकलेगा वो हमारा पीत वर्ण का होगा, दुर्गंधित होगा, ठीक है। कफ की अगर हम बात करें तो पेशेंट को वमन हो सकता है, जो कफ निकलेगा वो स्निग्ध गाढ़ा होगा, पेशेंट को अरुचि है, इस तरीके से हो सकती है। अब अगर हम क्षतज की बात करें तो इसके लिए मेन लक्षण क्या बोला है इसका, पारावत ईव पूजनम, यानी जैसे पारावत पूजन करता है उस प्रकार से पेशेंट पूजन करता है इसमें। बाकी स्वर भेद का होना, शूल का होना, रक्त स्थीवन होना, क्षत हुआ है तो जो है वो कास के साथ साथ रक्त भी आएगा, रक्त स्थीवन आएगा, ज्वर, श्वास, तृष्णा, उदर शूल का होना। अगर हम क्षयज कास की बात करें तो इसमें क्या होगा, भोजन करने पर भी पेशेंट में कृशता होगी, अरुचि, दुर्गंधित कफ निकलेगा, पसलियों में पीड़ा होगी, ठीक है। ये हमने इसके भेद और उसके जो रूप है यानी लक्षण है उनका वर्णन पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं चिकित्सा सिद्धांत इसका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो मेनली सबसे पहले आता है निदान परिवर्तन, यानी संक्षेपते क्रिया योग निदान परिवर्तन, जो भी कारण है कास होने के उनका त्याग करना। अब हम दोषानुसार पढ़ते हैं, जैसे अगर किसी को वातज कास है तो उसमें स्नेहन स्वेदन कराना है, अगर पेशेंट को विबंध है तो अनुवासन बस्ती देनी है, पान वायु विगुणित है तो घृत पान कराना है, वात के साथ अगर पित्त का अनुबंध हो गया तो स्नेह विरेचन दो, कफ का अनुबंध है तो कफ नाशक ट्रीटमेंट करना है। फिर हम बात करते हैं पित्त की, यानी पित्तज कास है जो, उसमें हम रुक्ष शीतल द्रव्य देते हैं, इक्षुरस गोदुग्ध मधुर शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर पित्तज कास है और जो कफ निकल रहा है पेशेंट को कास में, अगर वो गाढ़ा है तो तिक्त द्रव्यों से सिर्फ त्रिवृत्त से जो है वो हमें शोधन कराना है। अगर कफ का, अगर इसके साथ साथ पित्त के साथ कफ का भी अनुबंध है तो वामक द्रव्यों से सिद्ध जो घृत है उससे पेशेंट को वमन कराना है और उसके बाद पेय और विलेपी देनी है। अगर कफ का अनुबंध हीन मात्रा में है, यानी कफ इन्वॉल्व तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो हम विरेचन से ठीक करेंगे उसको। फिर आता है कफज जो कास है उसमें हमने पेशेंट को वमन कराना है, धूमपान, जो कटु रुक्ष उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कराना है। ये बात पित्त कफ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगर पित्त का अनुभव है, अनुबंध है कफ के साथ और पेशेंट को तमक श्वास हो गया है तो पित्तज कास के समान ट्रीटमेंट करना है। अगर बात और कफ की वजह से कास हो रही है और वो आद्र है, प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, रुक्ष अन्नपान देना है। अगर जो है वो बात कफ कास है लेकिन शुष्क है, यानी ड्राई कफ है पेशेंट को,
तो हमें उसको स्निग्ध अन्नपान देना है। अब हम बात करते हैं क्षतज की। क्षतज में हमने क्या करना है, मधुर और जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग करना है, पित्तज कास के समान ट्रीटमेंट करनी है, रक्त श्राव है तो घृतपान कराना है, दुर्बल अग्नि है जिसकी रोगी क्षीण है उसको हम यवागु का सेवन कराते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्षयज कास की। क्षय हो रहा है तो हमें उसको क्या देना है, जीवनीय घृत देना है, दीपन कराना है, ब्रीहण कराना है, श्रोतों का शोधन कराना है। और क्षयज में इम्पोर्टेंस है व्यत्यास करना, यानी जैसे कभी उष्ण कभी शीतल द्रव्य, कभी स्निग्ध कभी रुक्ष, इस तरीके से व्यत्यास कर्म का प्रयोग कराना है। अब हम बात करते हैं जो कास रोग है इसमें ड्रग्स यानी इसमें औषध योग क्या दिए जा सकते हैं, जैसे कफ केतु रस है, अभ्रक भस्म है, चंद्र अमृत है, टंकण भस्म है, लक्ष्मी विलास रस, ये तो हमारा रस भस्म पिष्टि में हो गया। वटी में लवंगादि वटी, मरीचादि वटी या बेहोशादि वटी, चूर्ण में हम शीतोपलादि चूर्ण, तालिशादि चूर्ण, श्रृंगादि चूर्ण, शट्यादि चूर्ण दे सकते हैं। क्वाथ में कनकासव कंटकारी क्वाथ, दशमूल घृत, पिपल्यादि घृत, रासना घृत। उसके अलावा जो वासा के जो भी ड्रग्स हैं, आटूषक आदि क्वाथ है, वसावलेह उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगस्त्य हरित की, चित्रक आदि लेह, व्याघ्री हरित की लेह या चवनप्राश का भी हम पेशेंट को प्रयोग करा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कास। Thank you.